नमस्कार, मैं हूं आशुतोष मिश्रा। चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस का फैलना शुरू हुआ तो WHO ने पहले ही बता दिया था कि मास्क लगाने की जरूरत उन लोगों को है जिन्हें कुछ लक्षण हैं, या फिर जो बीमार हैं, या वो जो बीमार लोगों का इलाज कर रहे हैं या उनकी देखभाल में जुटे हुए हैं। लेकिन अब मास्क पर बहस बदल गई है। अमेरिका में हुए नए अध्ययन में पता चला है कि कोरोना वायरस 6 से 8 मीटर की दूरी तक ट्रैवल कर सकता है। तो क्या अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मास्क पहनना चाहिए? इस सवाल पर WHO के एक्सपर्ट्स लगातार रिसर्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल निर्देश ये थे कि खांसने या छींकने वाले व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। WHO कहता है कि मास्क पहनने का फायदा तभी होगा जब उन्हें थोड़े टाइम में बदला जाए, उन्हें ठीक तरीके से साफ किया जाए या फिर सही जगह डिस्पोज किया जाए ताकि उसका वापस से इस्तेमाल ना हो सके। तो अब नई रिसर्च क्या कहती है? कैम्ब्रिज के IT के रिसर्चर्स ने यह देखने के लिए कि किसी के खांसने या छींकने से क्या होता है, इसके लिए उन्होंने हाई स्पीड कैमरा और दूसरे सेंसर का इस्तेमाल किया। रिसर्च में उन्होंने पाया कि सांस लेने से गैस का एक धुआं पैदा होता है जिसकी गति बेहद ही तेज होती है। इस गैस में अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी बूंदे होती हैं। जो सबसे छोटी बूंदे होती हैं वो सबसे ज्यादा दूर तक जाने की क्षमता रखती है। यानी इस रिसर्च से ये साफ पता चल रहा है कि जो हमने 1 मीटर वाली धारणा मन में बनाई है वो बिना सही जांच पड़ताल के बनाई है। तो क्या अब इस नई रिसर्च से मास्क पहनने के तरीके में बदलाव होगा? जानकार बताते हैं कि खासकर बंद कमरे में या जहां हवा कम आती हो, मास्क पहनने से कोरोना का खतरा कम हो जाता है। अब WHO कह रहा है कि इस नई रिसर्च का हम मूल्यांकन कर रहे हैं। फिलहाल COVID-19 पर हर रोज नई रिसर्च हो रहे हैं। हम आप तक हर एक रिसर्च की जानकारी पहुंचाएंगे। बस आप एक काम कीजिए, अपने घर में रहिए, कोरोना से दूर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।